सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं काली माँ की ड्राइंग को फुल कंप्लीट करके आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक इसकी आउटलाइन वीडियो और इसका सेकंड पार्ट शेडिंग वीडियो देख लीजिए, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फुल कंप्लीट करके ड्राइंग दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रशन ब्लू कलर का बेस लेयर देंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर हम ब्लैक कलर का शेड देंगे, फिर उसको भी हम ईजिली ब्लेंड कर लेंगे। फिर इसके बाद हम वाइट कलर का शेड देंगे जहाँ पर लाइट है। अब हम टंग में सबसे पहले रेड कलर से कलरिंग करेंगे, फिर इसके बाद लेयर हम ऑरेंज कलर का कलर शेड देंगे, फिर इसके बाद जहाँ लाइट है हम उधर पर पिंक कलर का शेड करके फिर हम उसके ऊपर वाइट कलर का लाइट शेड देंगे। इसी तरह से हमें शेडिंग करना है। फिर लिप्स में हम ब्राउन कलर का शेड करेंगे, फिर सेंटर में हम पिंक कलर का शेड करेंगे, फिर हम ब्लेंड कुछ इस तरीके करेंगे, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपको ब्लेंड करना, आपको ऐसा करने से हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होती है और हमारा ड्राइंग भी काफ़ी रियलिस्टिक शो करती है। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब हम कॉटन बर्ड को थोड़ा सा रेड कलर में लगा के हम कुछ इस तरह ब्लेंडिंग करेंगे। और अगर आपके पास कॉटन बर्ड नहीं है तो आप किसी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉटन बर्ड से काफ़ी रियलिस्टिक लुक आता है, ब्लेंडिंग भी काफ़ी स्मूथ तरीके से होती है। आप देख सकते हैं मैं जहाँ पे हाइलाइट्स है मैं उधर वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं चारकोल पेंसिल से डिटेलिंग दूंगा जहाँ पे डार्क है लिप्स पर। फिर हम वाइट कलर का शेड देने के बाद हम रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पोस्टर कलर। आप किसी भी एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं, ब्रश करना है और देख सकते हैं आप काफ़ी रियलिस्टिक लुक आ रहा है। फेस शेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हेयर्स में सबसे पहले प्रशन ब्लू कलर का हेयर्स के डायरेक्शन में हम शेडिंग करेंगे, और आपको भी इसी तरह से शेड करना है हेयर्स पे, नहीं तो वो हेयर्स रियलिस्टिक नहीं लगेंगे एक भी। और आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से हेयर्स के डायरेक्शन में शेड करेंगे। डार्क वैल्यू से हम उधर पे थोड़ा डार्क प्रेशर लगा के शेड करना है। प्रशन ब्लू कलर के बाद हम देंगे अब रेड कलर का शेड, क्योंकि रेफरेंस फोटो में जो हमारा रेड कलर है हेयर्स में भी लाइट आ रही है, तो इसके कारण हम रेड कलर का भी यूज़ करेंगे। फिर हमें कुछ इस तरह ब्लेंड करना, फिंगर्स से आपको ब्लेंड करना है, और इस ऐसा करने से आपके हेयर्स में काफ़ी रियलिस्टिक लुक आएगा। और आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं फिंगर्स का यूज़ करके ब्लेंड कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से फिंगर का यूज़ करके ब्लेंड करना है। फिर इसके बाद जहाँ हेयर्स पे डार्क है उधर पे हम ब्लैक कलर का यूज़ करके हेयर्स के डायरेक्शन में हम उसको भी शेड करेंगे कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। और जहाँ पर आपको लगे हाईलाइट से उधर को आप छोड़ के करना है, मैं उधर पे नहीं कर रहा हूँ,
उधर पे हम व्हाइट कलर का शेड देंगे, बाद में आप देख सकते हैं। पूरे हेयर्स में ब्लैक कलर का शेड देने के बाद हम इसको भी फिंगर से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपकी भी हेयर्स की डायरेक्शन अगर नहीं दिख रही तो आप फिर एक बार ब्लैक कलर का शेड दे सकते हैं, जिस तरह से मैं दे रहा हूं। और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ज़्यादा ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं करना, क्योंकि फिर उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगा, वहाँ प्रोशन ब्लू कलर का मतलब ही नहीं निकलेगा। फिर जो हमारा लास्ट काम है, आप देख सकते हैं, हाईलाइट देने के लिए मैं फिंगर के नेल का यूज़ कर रहा हूँ। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस करने से। और आप देख सकते हैं मैं ब्लैक कलर का भी यूज़ कर रहा हूँ मैं नीचे। फिर आप देख सकते हैं मैं सेकेंड थेरेपी भी इसी तरह फिंगर के नेल से मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक लुक हो रहा है। और जहाँ पर कॉटन बड का यूज़ हो रहा है, मैं उधर कॉटन बड से भी ब्लेंड कर रहा हूँ, और आपको भी इसी तरीके से करना है। फिर इसके बाद मैं पूरे हेयर्स में अपने नेल से पूरे में स्क्रैच कर दूँगा। और अगर आपके पास स्क्रैचिंग टूल और कोई से भी, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसके बाद जहाँ पर हेयर्स पे हाईलाइट है, मैं उधर वाइट क्रियॉन्स का यूज़ करके हेयर्स पे हाईलाइट्स दूँगा कुछ इस तरह। तो सॉरी गाइस, मैं बैकग्राउंड का आपको शेड ब्लेंड करके नहीं दिखाया हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं सबसे पहले इस पर रेड और ब्लैक कलर का यूज़ करके मैं अपने ब्लेंडिंग कर रहा है, और फिर नीचे मैं प्रूशन ब्लू कलर से, फिर मैं ब्लैक कलर से कपड़ों में क्लोथ कर। हम इसके बाद सेकेंड लेयर ब्लैक कलर का देंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। फिर हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए मैं सबसे पहले जहाँ डार्क एरियाज में उसको ब्लेंड करूँगा, और जहाँ पे हाईलाइट है मैं उधर दूसरे कॉटन बड का यूज़ करूँगा। आपको उसी दूसरे कॉटन बड का यूज़ करना है, आपको वही कॉटन बड का यूज़ करके ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो पूरा ब्लैक ब्लैक आ जाएगा जहाँ पर हमने वाइट कलर का शेड दिया है। फिर जहाँ हाईलाइट्स है, मैं उधर पर वाइट कलर से शेडिंग करूँगा कुछ इस तरह। फिर मैं नीचे भी ब्लेंड कर लूँगा और ब्लैक कलर से पहले शेड दूँगा, और मैं इसको भी कॉटन बड से ब्लेंड कर लूँगा अच्छी तरीके से, और आपको भी इसी तरीके से ब्लेंड करना है। सो गाइस, हमारी ड्राइंग तो हो चुकी है कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।